रीवा में आज कांग्रेस दिग्गज नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी की 96वीं जयंती संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर शहर के पद्मधर पार्क में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ साथ प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं ने भी शिरकत की, जिसमें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, विधायक कुमार चौधरी प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस अवसर पर सभी नेताओं ने स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को याद करते हुए उनके संघर्षों और उनकी राजनीतिक क्षमताओं पर अपने वक्तव्य देते हुए आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। सभी नेताओं ने एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। इस मौके पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी और रीवा से अपना खास नाता बताते हुए कहा कि आज का दिन विंध्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। श्रीनिवास तिवारी प्रदेश के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने जीवन भर जनता जनार्दन की सेवा की है और आज ही भावना हर कांग्रेसी को अपनानी चाहिए। वहीं अपने भाषण में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के घर में जन्म लेना सौभाग्यशाली बताया और कहा कि उन्हें उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जनता जनार्दन की सेवा करता रहूंगा। वो ऐतिहासिक तारीख है जिसमें विंध्य क्षेत्र का एक नाता है, एक रिश्ता है, एक अपनत्व है। आदरणीय स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी का जन्म उत्सव है, जिन्होंने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमेशा गरीब और शोषित की लड़ाई लड़ी। ध्येय था परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिलाना, ध्येय था विंध्य के परिवार के लोगों को रोजगार दिलाना, एक नौकरी दिलाना। और आज 17 तारीख नरेंद्र मोदी जी के भी जन्म दिवस की है। देश बेरोजगार दिवस मना रहा है, ऐतिहासिक तारीख है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हर साल दो करोड़ रोजगार, आज हर साल 2 करोड़ रोजगार चले गए। मैं मानता हूं इस ऐतिहासिक तारीख को दो अर्थों में याद किया जाता है। विंध्य में एक है श्रीनिवास तिवारी जी के कर्तव्य और उनके काम, और दूसरा नरेंद्र मोदी 8 साल से लगातार देश में जो तबाही हर तरह की मची है, मैं समझता हूँ उसका दाम। ये दोनों बातें अपने आप में एक इतिहास लिखती है। आज विंध्य आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत परिवार के साथियों ने प्यार और दुलार दिया, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।